हेलो फ्रेंड्स, रेल लाइफ में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, और आरआरबी ग्रुप डी आप लोग बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कब एग्ज़ाम होगा, होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत टाइम हो गया था। आपको पता है 2019 में फॉर्म निकले थे और 2021 में जाकर डेट अनाउंस हुई है, और भी लास्ट एंड में। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना आप लोगों ने वेट किया होगा। तो चलो, जो भी है, आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो 23 फरवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हैं। तो आप लोगों के पास अभी टाइम कम है, 3 महीने, अप्रॉक्स 3 महीने मान सकते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो उसमें भी दिन कम है। तो आप लोग को तैयारी बेहतर तरीके से करनी है अभी से भी। आप लोग अगर स्टार्ट करेंगे पढ़ना अच्छे से, जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और बहुत अच्छा मौका है अभी आप लोग को जॉब लेने का, क्योंकि आप लोग को पता है कि जॉब लेना कितना टफ है। और मैं पिछली भर्ती 2018 वाली भर्ती में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप लोग को तैयारी करनी है, और आप लोग को हेल्पफुल भी रहेगा थोड़ा ये वीडियो। तो आप लोग थोड़ा सा एंड तक देखें वीडियोस को, तो क्या क्या इसमें हमने पढ़ना है और क्या सब्जेक्ट किसमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, अब आप लोग को गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहा होगा, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, कोचिंग सेंटर वगैरह में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो आप एग्ज़ाम आप लोग की मदद करेगा। तो अभी मैं ड्यूटी में हूँ फिलहाल, आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ड्यूटी से ही। तो मुझे लगा कि आप लोग को अब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है, और अभी आज ही से इसी टाइम से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम कम है। दिसंबर में बस 20 दिन है, 20-22 दिन है, और फिर जनवरी फरवरी फरवरी आपको लास्ट लास्ट एंड में फेज वाइज आप लोग का एग्ज़ाम होगा, और वो 10 दिन पहले आप लोग को पता चल जाएगा आपकी एग्ज़ाम शेड्यूल, कब आपका एग्ज़ाम होना है, पहले होना है, लास्ट में होना है, वो सब आरआरबी पे छोड़ दीजिए। और आप लोग को फिलहाल टारगेट करना है इस एग्ज़ाम को, तो आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए, अच्छे से तैयारी आप लोग को करनी है इस एग्ज़ाम की, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलेंगे। आप लोग को पता ही है कि वो फिर इसका एग्ज़ाम कब आए, ग्रुप डी की भर्ती कब आए, कब नहीं आए। तो खुद रेल मंत्री ने आके अनाउंस किया था कि जैसे ही मॉडिफिकेशन लिंक का हो जाएगा, उसके बाद हम तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, और मॉडिफिकेशन लिंक का भी प्रोसेस 15 से 26 के बीच में है इस दिसंबर। तो जिन लोगों का इनवेल्ड बहुत लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में जिन लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका था, तो उन बच्चों के लिए भी अच्छा मौका है। तो अभी आप लोग तैयारी, मैं आप लोग को तैयारी से रिलेटेड आप लोग को कुछ एडवाइस दूंगा, तो जो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेंगी। तो बात करता हूँ आप लोग को, सब्जेक्ट वाइज बात करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा मैथ, रीजनिंग, जीएस वाला सेक्शन है, और बाकी करंट अफेयर्स को भी इसी में इंक्लूड कर लीजिए, और थोड़ा सा साइंस वगैरह सब इसी में जीएस में इंक्लूड कर लेते हैं। तो पूरा एक, तो तीन आपके पास मेन सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो मेन अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, तो जो टारगेट जो स्कोर आप जो स्कोर वाला जो सब्जेक्ट है वो मैथ रीजनिंग। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो आपका ये प्लस पॉइंट रहता है तो वहाँ स्कोर करने में। तो 60+ अगर आप स्कोर करते हैं वहाँ, 60+ इजी शिफ्ट में, तो आप लोग को 70+ स्कोर करना पड़ेगा। अगर हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट में अगर आप 60+ भी स्कोर करते हैं, तो बहुत अच्छा आपका स्कोर है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा, नॉर्मलाइजेशन का खेल आप लोग को पता ही है, किसी के कम मार्क्स बढ़ते हैं, किसी के ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं, तो वो शिफ्ट वाइज होता है, वो हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट के हिसाब से होता है। आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, आपको बस स्कोर, अगर आप इजी शिफ्ट में बैठते हैं तो 70+ आपको स्कोर करना ही करना है श्योर सिलेक्शन के लिए। बाकी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, उससे कम में भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। आपको फिलहाल, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक चैलेंजिंग स्कोर आप लोग को टारगेट करने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग इतना स्कोर करिए, तो आप लोगों को बाद में फ़ायदा मिलेगा डीवी के वक्त। आप लोग का पहला डीवी, क्योंकि मार्क्स वाइज डीवी होता है, जैसे मेरा ज़्यादा मार्क्स है तो मेरा डीवी भी पहले ही हो गया था, और जल्दी मुझे ज्वाइनिंग मिल गई थी। तो अभी भी 2018 वालों में ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई, आप लोग को पता है, तो उसी वजह से मैं हूँ। तो मेरी ज्वाइनिंग बहुत पहले हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा थे, तो एक ये फैक्टर रहेगा। तो मैथ और रीजनिंग में आप अपनी पकड़ अच्छी करिए, मैथ रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा। और बुक, अगर आप लोग को बुक लिस्ट देखनी है कि कौन सी बुक लिस्ट मैंने फॉलो करी, तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, मैं मेंशन कर दूंगा लिंक पे, आप लोग देख लीजिएगा बुक्स। अगर आप लोग को लगता है कोई डाउट कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, तो वो बुक्स मैं आप लोग को बता दूंगा, बुक्स मेरी पास जो जो हैं।
तो आप लोगों के पास जो भी बुक्स हैं मैथ रीजनिंग की, अगर आपके पास अपनी कोई बुक्स हैं तो मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है। मैथ रीजनिंग में आप अपनी पकड़ बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें मैथ रीजनिंग की। तो मैथ रीजनिंग आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर हाई स्कोर होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मैथ और रीजनिंग में स्कोर करने वाले जिनसे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो उनका रहता है एग्जाम में। तो मैथ रीजनिंग में आप लोग फोकस करिए, और रीजनिंग को अगर आप चैप्टर वाइज बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रीजनिंग में कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों ने देखा होगा, स्टेटमेंट वाइज उसमें कंक्लूजन निकालना होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें काफ़ी गलत करके आते हैं बच्चे। तो वो चैप्टर आप लोग जरूर तैयार करिएगा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके, मैं उसका भी आप लोग को मेंशन कर दूंगा लिंक वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे। तो आप लोग वहां जाके देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। वैसे तो रीजनिंग में सब तो पढ़ना है, होता ही है, और रीजनिंग में कुछ टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होते हैं, कुछ टॉपिक ईजी होते हैं। मेन मेन जो खेल रहता है एग्जाम में, जो खेल रहता है कि आप लोग के पास टाइम कम होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग करनी होती है, तो टाइम का विशेष ध्यान दीजिए। जो जितना कम टाइम में रीजनिंग को सॉल्व करेगा वही इस ग्रुप डी में खेल खेल पाएगा, या कह सकते हैं कि वही इस ग्रुप डी में हाथ मारेगा। तो टाइम का बेहद ध्यान रखिए कम टाइम में, क्योंकि रीजनिंग का और मैथ्स का क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर देगा, लेकिन बात यह है कि एक बंदा है जो 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, और एक है कि जो 1 या 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो उसका टाइम बच रहा है और बाकी क्वेश्चन को भी देख सकता है बाद में। तो टाइम का विशेष ध्यान करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ऑफलाइन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वॉच घड़ी लगा के आप लोग पेपर सॉल्व करिए, नहीं तो मैं आप लोग के टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को सजेशन दूंगा कि मॉक आप टेस्ट जरूर ले लें एग्जाम से पहले, चाहे आप 2-3 मॉक भी दें लेकिन मॉक जरूर दें, थोड़ा सा आप लोग का कंप्यूटर पे हाथ भी सेट रहेगा। नहीं तो आप लोग अगर मोबाइल में देना चाहते हैं तो मोबाइल में भी दे सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि कैसे ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोग जरूर एक बार मॉक टेस्ट दें, उससे आप लोग को अपनी स्पीड का और एक्यूरेसी का भी पता चल जाएगा, और एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है एग्जाम में। तो आज ये नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ध्यान रखना है आप भले ही 70 क्वेश्चन करके आए लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। या ज़्यादा करके आने में से ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा सॉल्व करके आता है और उसमें से माइनस मार्किंग, में आप लोग को पता है कि माइनस मार्किंग भी है इस ग्रुप डी में, तो आप लोग को एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है अपने साथ, टाइमिंग के साथ साथ एक्यूरेसी। तो टाइमिंग बहुत बड़ा खेल करेगी इस एग्जाम में, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। आप जीएस में तो क्या है कि आता है तो आप लोग टिक करेंगे, नहीं आता है तो आप छोड़ देंगे, लेकिन मैथ तो और रीजनिंग में ऐसा है कि आप थोड़ा जब तक आप किस क्वेश्चन को बनाते हैं बाद में उसका आंसर नहीं आता है तो उतना आपका टाइम क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, क्योंकि आपने उस टाइम खराब कर दिया उस क्वेश्चन पर और आपका आंसर भी नहीं निकल पाया। तो मेरा आप लोग को एडवाइस रहेगा कि वही क्वेश्चन पहले बनाएं जो क्वेश्चन आप लोग को आते हैं, उस पर टाइम वेस्ट ना करें, जिस जो नहीं आता है उसको आप बाद में देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पर आपका लोग का एग्जाम होगा तो उसको आप बाद में देख सकते हैं, तो बाद में सॉल्व करिए। तो पहले वही सॉल्व करिए जो आप लोग को आते हैं, और रीजनिंग के कुछ चैप्टर मैंने बता दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथमेटिक्स में आप लोग को बताइए, कोई खास मैं चैप्टर मेंशन नहीं करूंगा कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जाम मैंने देखा है एग्जाम पेपर तो कहीं से भी उठा के दे देते हैं, कभी क्वेश्चन क्या हो जाता है किसी एक ही चैप्टर से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो एक बार ही क्या हुआ था, परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो आप लोग को सभी चैप्टर पढ़ के जाना है, और स्टैटिक्स वाले चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। तो लेवल क्वेश्चंस का अच्छा रहता है, बस टाइम मैनेजमेंट का नहीं हो पाता है, टाइम आप लोग जरूर मैनेजमेंट अभी से करना सीख लीजिए, 2 महीने 3 महीना है अभी अप्रॉक्स, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, मेरे हिसाब से तो अभी आप लोग ले लेना चाहिए था अभी तक का, तो नहीं भी लिया कोई बात नहीं अभी ले लीजिए। और बाकी आप लोग जीएस की बात करूँ, जीएस तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको बताइए महासागर है, तो उसमें साइंस वाले जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो साइंस पे अपना थोड़ा सा पकड़ बनाए साइंस, क्योंकि साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि आर्ट साइड वाले साइंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10th लेवल की साइंस आती है, तो 10th में आपको लगभग लगभग सभी के पास साइंस होती है। तो आप चैप्टर वाइज बनाइए, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से बना लीजिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लूसेंट की जो एक साइंस की बुक आती है वो आप पढ़ लीजिए, बाकी रेलवे सामान्य अध्ययन की जो साइंस की बुक आती है वो भी बहुत बढ़िया है। तो अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, और करीबन 8 से 10 घंटा अभी आप लोग देंगे एग्जाम को, तो आप लोगों का सिलेक्शन श्योर सिलेक्शन कह सकता हूँ मैं, अगर जो 8-10 घंटा दे रहे हैं पर डे, जिनके पास टाइम है 8-10 घंटा दीजिए, और एग्जाम अलग अलग टाइम टेबल को ऐसे बांट लीजिए, मैथ को अलग टाइम पे बांट लीजिए, रीजनिंग को अलग बांट लीजिए, जीएस को अलग टाइम पे बांट लीजिए, टाइम टेबल अभी बना लीजिए, मेरे हिसाब से अब तो बन जाना चाहिए टाइम टेबल, और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, 2-2.5-3 महीने हैं आपके पास,
तो टाइम टेबल लगा के पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर मन इधर उधर भागेगा, कभी किसी सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, कभी किसी को पकड़ेंगे, मैथ रीजनिंग उठा के पकड़ेंगे, उसमें फिर जीएस आप लोग का वीक हो जाएगा। तो आप लोग को अभी ऐसे चलना है कि मेंटेन होके चलना है। और बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग परेशान ना हो, करंट अफेयर्स 2020 की पूछेगा, और कभी कभी कोई पुराना क्वेश्चन भी उठा के पूछ लेता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा पुराना बिल्कुल, नहीं तो 2020 और 21 की पूछेगा, 20 से 21 के बीच की जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज पूछता है, ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के पूछ लेगा। प्री की बुक खरीद लीजिए, स्पीड की बुक में से आप लोग देख लीजिए, एनटीपीसी का मैं एग्जाम पेपर देके आया था, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा हार्ड करंट अफेयर्स पूछी नहीं गई थी, इजी करंट अफेयर पूछी गई थी, तो आप लोग वो बुक ले लीजिए, वो बुक से आप डे वाइज भी पढ़ते रहेंगे, अभी 2-3 महीना है तो तब तक वो कवर हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स की बात करते हैं, बाकी जीएस में आप लोग लूसेंट उठा के पढ़ सकते हैं, तो लूसेंट से अभी आप पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ पूछेगा, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग से पूछता है, ईयर पूछ लेता है, टाइमिंग पूछ लेगा, कोई वॉर पूछ लेगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सीबीटी 1 है, एक ही सीबीटी आप लोग को देना है, और सीबीटी के बाद आपका पीटी होता है, वो तो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा जब सीबीटी का एग्जाम हो जाएगा, तो कैसे पीटी की तैयारी करनी है वो दिक्कत वाला नहीं है। तो सीबीटी इसमें मेन फैक्टर है, सीबीटी की आप अच्छे से तैयारी करें, जोर लगा दें, बिल्कुल एकदम जी जान लगा के सीबीटी का एग्जाम दें, एक बार आपने सीबीटी का एग्जाम दे दिया अच्छे से तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए और बढ़िया तरीके से अपनी आप पीटी की तैयारी करिए। तो वो मैं बता दूंगा कि किस मार्क्स पे रहेगी कट ऑफ, तो एग्जैक्ट बताना तो कोई भी नहीं बता पाएगा, अगर कोई कहता है कि एग्जैक्ट इतनी कट ऑफ रहेगी तो वो झूठ बोल रहा है आप लोगों से, एग्जैक्ट कट ऑफ का नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पिछली बार की कट ऑफ को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की कट ऑफ कितना रहेगा। तो बहुत बच्चे कट ऑफ को लेकर पूछ रहे हैं, तो आप अपने अपने जोन की कट ऑफ एक बार देख लीजिए पिछले 2018 वाली भर्ती में, तो उसी के थोड़ा बहुत कम रहेगी उससे, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं, बहुत नंबर ऑफ पोस्टें ज़्यादा हैं, दुगनी से ज़्यादा हैं, तो आप लोग उसी पोस्टों को देख लीजिए तो कट ऑफ थोड़ा उससे कम रहने वाली है। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया कि मैथ रीजनिंग में आप लोग अभी से फोकस करिए, मैथ रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दीजिए, और बाकी जीएस वाले सेगमेंट को भी पढ़ते रहिए, और मॉक टेस्ट देते रहिए साथ साथ में, मॉक टेस्ट में कम स्कोर हो रहा है तो घबराइए मत, ऐसा होता है कि कभी कभी आप यहाँ मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपके कम मार्क्स आते हैं और वहाँ आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लेवल क्या होता है कि थोड़ा अलग होता है, क्वेश्चंस का टाइप अलग होता है। और मैथ में मैंने एक चीज़ ये देखा है, मैथ का आप लोग का मैं बता देता हूँ, मैथ में मैंने ये चीज़ देखी है कि मैथ में क्वेश्चंस ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड पूछता है, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखे जा सकते हैं, तो आप लोग मैथ के लिए फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को अलग से रख लें, फॉर्मूले उनके याद कर लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख के ही सॉल्व हो जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे SI और CI वाले चैप्टर से आते हैं और परसेंटेज वाले चैप्टर से आते हैं और एवरेज वाले चैप्टर से आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो ट्रिकी आप ट्रिकी अगर मैथमेटिक्स ट्रिकी तरीके से कर रहे हैं, एक बुक भी आती है ट्रिकी मैथमेटिक्स करके, तो आप लोग लॉन्ग मेथड, क्योंकि जमाना वो रह नहीं गया कि आप लॉन्ग मेथड से करेंगे, और क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो आप लोग को ऐसी कुछ मेथड सीखनी होंगी मैथमेटिक्स में, जिससे क्या होगा आपका आंसर जल्दी निकलेगा, आप लंबे कैलकुलेशन नहीं कर सकते एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेशन ही टाइम को क्या करता है, जितना आप ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना आपका टाइम खर्च होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग ट्रिकी तरीके से मैथ सॉल्व करिए, फॉर्मूला वाइज मैथ का अगर जो जिस चैप्टर से आप बना रहे हैं तो उसका क्वेश्चन अगर फॉर्मूले से बनता है तो फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप फॉर्मूले लगाइए, तो फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आप करना सीखिए। तो मैथमेटिक्स में ये बात रहेगी, और रीजनिंग मैंने आपको बता दिया चैप्टर वाइज रीजनिंग को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो मैंने एक वीडियो बनाया है वो आप लोग को दे दूंगा, उसमें से पढ़ लीजिएगा। बाकी जीएस मैं आपको बता दिया, लूसेंट से आप लोग जीएस पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक बहुत अच्छी है इसके लिए, और रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक अगर आप जल्दी आप लोग को एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो भी ठीक है। और बाकी करंट अफेयर्स आप लोग अगर ऑनलाइन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स की, बहुत सारे टॉपिक वाइज स्पोर्ट्स से डाउनलोड कर सकते हैं, अवार्ड फंक्शन ये वगैरह थीम्स बुक्स, तो इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बुक्स से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी करंट अफेयर्स में, बुक भी पूछ लेता है कि इस खिलाड़ी की कौन सी ये बुक है, इस ने ये बुक लिखी है, तो बुक के ऑथर के नाम पूछता है। और बाकी योजनाएं गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत आप लोग अच्छे से याद कर लें, जो टॉप योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछता है। NTPC में मैंने एग्जाम दिया तो मैं खुद का आपको बता रहा हूँ कि एक आध स्टेट की
उसने पूछी थी योजनाएं, स्टेट वाइज योजनाएं पूछी थी, और बांध बहुत होता है, डैम वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये डैम कहाँ है या ये नदी कहाँ है। तो जीएस में नदियों का थोड़ा सा आप लोग ज्योग्राफी में आप लोग अच्छे से पढ़ लें, बाकी पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा पूछता है आर्टिकल। और आप लोग को मैं अगर बताऊँ तो पूरा एकदम मैंने पूरा एक लंबा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया है इस पर कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग मैथ में प्रैक्टिस करते रहिए, अगर आप लोग के पास कोई डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को डाउट क्लियर कर दूंगा। और अभी फिलहाल मैं ड्यूटी पे हूँ, और ग्रुप डी की वैसे जॉब बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप लोग कुछ जॉब छोड़ के प्रोफाइल को छोड़ के थोड़ा हार्ड वर्क है उसमें, बाकी अच्छी जॉब है और सैलरी भी ठीक ठाक है, तो प्राइवेट से अच्छी जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है आप लोग को पता ही है, तो तैयारी करिए। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मुझे लगा कि आज आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका है, तो आप लोग को बता दिया जाए कि आगे किस तरीके की तैयारी करनी है। तो डे वाइज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हर डे आप लोग को क्या क्या चैलेंज है आप लोग के पास, और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, तो डे वाइज वीडियो आएंगी आपसे लगातार।